हेलो एंड वेलकम टू नंदोस ट्यूटोरियल। जय जगन्नाथ। कैसे हो दोस्तों? स्वास्थ्य कोर्स सब स्वस्थ मस्त और जबरदस्त थी। निजर निजर पाठर आओ निजर परिवार रो भल से जत्न नौ थो। सो जमीक मो प्रीवियस वीडियो कही आपण मान प्रिलिम्स कौन स्ट्रेटेजी रहा दरकार एंड मुमी मो प्रिलिम्स को तीन थर मु क्वालिफाई कली एंड तार लॉजिकल स्ट्रेटेजी गोटे आपन को सहित मुझे आज ये वीडियो करने जाऊँ। ओके सो मुझे नंदु समस्त बंधु एंड आशा करुच्ची मुझे आपंकर टिके भी कंट्रीब्यूट कर पारि। सो ये वीडियो सक्सेस है बोली मानी। ओके सो जीवा डिस्कस करवा कौन एक्चुअली स्ट्राटेजी रहा दरकार। सो फर्स्ट थिंग व्हाट इज नीडेड कि केते समय रहिला। ओके सो जदि देखिए सो मोस्ट प्रोबेबली अक्टोबर 27 लगुच कि एग्जामिनेशन हे बट दैट इज नॉट श्योर। ओके इट मे बी एक्सटेंशन हो पाए एंड मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली लगुच कि एक्सटेंशन मिले बट हाउ ठीक अच्छे एक्सटेंशन मिलू कि न मिलू आम पाखे एप्रोक्स जदि देखिए 50 डेज रो टाइम रोचे 50 डेज ना 45 अराउंड रोचे बट टिके एक्सटेंशन मिले नहीं कि 50 नहीं कि चलुच 45 टू 50 डे आम टाइम अच्छे। सो दिस इज अक्टोबर एंड सेप्टेम्बर। तो सेप्टेम्बर आज के आज तो टीचर्स डे 5th September। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड 5 तारीख रू नहीं कि 5 अक्टोबर जाए आप 23 दिन देन 27 अक्टोबर। सो मैंने 40 डे ही आपको मैंने 40 डे ना 45-50 डेज अराउंड रोक। ओके सो सो से जिनस को आप डेली कौन करेंगे कि केते दिन रहा प्रिलिम्स से निजी मन पकेबे। ओके से जिनस जो सका उठिकी जो मन पकेबे निजी कि आउ केते दिन रहिलानी। सो सी जो माराथन रेस जो अच्छी जो 50 दिन रे जो कि वेरी वेरी क्रुशियल भल से आपन को यूटिलाइज करियार छ से टाइम को। तो सी जो डे रिमेनिंग केते अच्छी डेली सब लिखी देबे कि एतकी दिन रहिला। सो आपन सी रेस रे एक्टिव हेकी चली पारिबे नहले बेले बेले आमे डेविट हि दो निजर पाथ। तो से जिनस गुड करियार छ। नेक्स्ट बुझिया प्रिलिम्स रो सिलेबस। प्रिलिम्स रो सिलेबस जदि देखिबे तो बहुत गुड़ा जिनस आपको देखा मिले प्रिलिम्स सिलेबस रे बट दैट इज नॉट मच क्लियरली किसी कही हेब ना प्रिलिम्स सिलेबस ये एमती आपको प्रिलिम्स सिलेबस मेंशन करा है जोटि बहुत गुड़ा जिनस जनरली लिखाई एंड ये हिसाब से जेनराली आम पढ़ला बेलू यही हिसाब से आम पढ़ूँ। ओके एक क्वेश्चन भी देखा मिलना कि से स्ट्रिक्टली यही जिनस को लेकिन से चलू ना एंड आईरे मैंने किसी एत भलसे जना पड़ूना। सो फॉर आवर कन्वीनियंस जनरली आम डिवाइड करीचु सिलेबस को एंड सिलेबस रे मोटा मोटी जदि देखिए से यूपीएससी हो किंबा ओपीएससी हो आपण सिलेबस रे आपको देखा मिले पॉलिटी। ओके पॉलिटी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री जियोग्राफी एनवायरनमेंट और जनरल नॉलेज और जीके टाइप ऑफ क्वेश्चन भी देखा मिल जाऊँ राइट एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स रो रोल बढ़ी गला। ओके तो मोटामोटी आपणकर ही आपणकर सब्जेक्ट अच्छे। ओके पॉलिटी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री जियोग्राफी एनवायरनमेंट जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो यहाँ हूँ मोटा मोटी सिलेबस एंड एबे सोर्स कौन कौन पढ़िया अच्छे सहीटा आपने बेटर जानी थे बिकज दिस इज नॉट द टाइम टू आप स्टार्ट करेंगे निजर प्रिपेरेसन दिस इज द टाइम टू पॉलिश करार अच्छे आपको रिविजन करके पॉलिश करार अच्छे। ओके बहुत गुड़ाए जिनस अच्छी सिलेबस बहुत जिनस अच्छी बट ये जो 50 डेज अच्छे ये 50 डेज को क्रुशियली यूटिलाइज केमी कौन करेंगे सहीटा आम आज वीडियो रे टोटली आप जानाप मिले। ओके कि को जिनस को लेकिन चलियार अच्छे। ओके हाउ एप्रोच केमती रढ़ी तो सबू थे बट को एरिया अधिक फोकस करार अच्छे कौन करें तो कट ऑफ को आम क्वालिफाई करट इज द मेन थिंग। सो सिलेबस मोटामोटी यहाँ ही अच्छी आपंकर पॉलिटी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री जियोग्राफी एनवायरनमेंट जीके एंड करंट अफेयर्स ये सब जिनस एवरेजली 15 क्वेश्चन जाक पचारूला आगे। सो कट ऑफ को जवा कट ऑफ कौन रोचे से देखा। अच्छा जो मैंने जाणी ना कि प्रिलिम्स एग्जामिनेशन रे
जो होउछि से केमिती एक्चुअली तार जिनस अछि तो मेनली प्रीलिम्स रो दुईटा स्टेज अछि दुईटा स्टेज तो नै वन डे एग्जाम हबो गुटे दिन रे ही एग्जाम हुए दुईटा पेपर थाए जीएस पेपर वन एंड गोटे सी सेट रो पेपर आपनको देखिया पे मिलबो एंड सी सेट रो पेपर इज क्वालिफाइंग इन नेचर आपनको 200 रु 67 आनियर 66 प्लस आनियर अछि 200 रु केते 67 जस्ट आनियर अछि एंड से कंपलसरी से आनिला पोरे ही जाई कि आपन क्वालिफाई हबे आपनर जीएस पेपर वन टा चेक हेबो ना चेक हेबो जीएस पेपर वन एक्चुअली मेनली तारु कट ऑफ डिसाइड हबो ओके एंड जीएस पेपर वन रो सिलेबस हम देखि सी सेट को भी बिल्कुल भी नेग्लेक्ट करूँ तो नहीं बहुत गुड़ा पिला सी सेट रे भी एलिमिनेट हो जाऊँ तो डेली कौन कर एटलिस्ट 30 मिनट्स डेली 30 मिनट्स आप सी सेट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह करूँ बस से करेंगे यथेष्ट होने आप लगुच्छ विक् अच्छा सो आप गोटे डिफरेन्ट एप्रोच यूज करेंगे मोस्ट प्रोबेबली से 67 मैंने हो जाए प्राय हो जाए बट जहाँ को लगू नहीं होनी से डेली 30 मिनट्स टी टाइम काढ़ करूँ एंड डेफिनेटली सी सेट क्लीयर हो ना कम्स टू जीएस पेपर वन जीएस पेपर वन रो कट ऑफ जनरली जीएस पेपर वन रो ही कट ऑफ डिसाइड हबो एंड बहुत पेपर 200 मार्क रो हुए जीएस पेपर वन भी 200 मार्क रो हबो से 2 घंटा टाइम मिलबो सी सेट पेपर भी 200 मार्क रो एक्चुअली हुए सेठी भी आपन को 2 आवर्स रो टाइम एक्चुअली देखिया पे मिलबो ओके सो दैट इज द थिंग सो नेक्स्ट द थिंग इज कट ऑफ व्हाट इज द कट ऑफ कौन रोची आगुरु से जिनसो को फर्स्ट एबे देखिया कट ऑफ जदी देखिबे If you see the cut-off year, the previous year, जो 2021 रो 2021-2022 रो सेशन रो कट-ऑफ थिला मेल कैंडिडेट पे 71 फीमेल कैंडिडेट पे 62 माने 70-60 आसपास थिला प्लस यही वर्ष जो एबे इंटरव्यू चालू छी एंड ए जो 2022 एंड 2023 रो सेशन रो जो एबे जो चली छी तार कट-ऑफ जो प्रेडिक्शन जदि देखिबा सो दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग आई विल शेयर ए स्टोरी फॉर दैट बट बिफोर दैट 2017 2018 2019 2020 ये जो एरा थिला ये एरा रे आपन को क्वेश्चन पैटर्न टी अलग आसतला एंड जो एबे 2021 एंड 2022 रो रे जो प्रीलिम्स हला तारे ड्रास्टिक चेंजेस देखिया पे मिलछे सो जदि देखिबा 2017 रु 20 हमर 90 कट ऑफ एवरेज हमें नहीं कि चली परिबा 90 मेली 95 रु 105 पर्यंत कट ऑफ रो एवरेज रहउथला एंड केबे 95 केबे 105 तो बट आमे जदि देखिबा तो एवरेज 100 नै पारिबा एवरेज पुओ पिलानक पई एंड झियो पिलानक 90 नै पारिबा सो एमिति चली थिला हमरो 2017 रु 2020 पर्यंत बट 2021 रो कट ऑफ जो आमे देखिलु 2021 रे आपन को देखिया पे मिलला कि पुओ पिलानक पई 71 एंड झियो पिलानक पई 62 दैट इज अराउंड द कट ऑफ माने केते कमी गलानी व्हाई बिकॉज़ द नेचर ऑफ क्वेश्चन जुडे आस्थिला दैट इज क्वाइट वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड दैट मेक्स इट्स कि कट ऑफ 200 रु आपर झील पिला देखो 62 पड़ेगा इवेन सी सेट रु भी कम राइट एंड पुओ पिला 71 एंड 2022 रे प्रेडिक्शन अच्छी कि रियल कट ऑफ वाज 45 अकॉर्डिंग टू सम सोर्स एम लगे कि रियल कट ऑफ इज 45 बट 45 बहुत लो होली ओपीएससी गोटे स्टैंडर्ड को मेन्टेन करने से मैंने आइडियल कटअप गोटे निजे गोटे अलग फर्मूला यूज करके 50-60 अराउंड रखी जहाँकि नेक्स्ट वर्ष ही पूरा स्योरली जानापे आसो बट दैट इज नॉट अप टू क्लीयरली किए कहीपर नहीं बट मैक्सिमम कटअप आपतु पिलो पुओ पिला 60 जीव एंड झील पिला 50 जीव बिकज अफ द नेचर अफ द क्वेश्चन क्वेश्चन रेवेल बहुत डिफिकल्ट होगा इवेन 50 इज द कटअप यर्षर 2022 रटअप इज मात्र 50-60 तमें आप खाली 25 क्वेश्चन भी जदि बहुत पूरा ठीक कर दौरान विथ 100% एक्यूरेसी सो आपन कट ऑफ क्लियर हो जाता एंड यू विल बी गेटिंग चांस फॉर मेंस दिस ईयर एंड से बहुत गुड़ा पीला मिलजे सो दैट इज द थिंग सो कट ऑफ देखूँ जोड़ा कि अर्लीयर 100 था 70 एंड 70 पर 60-50 पड़े आस कट ऑफ तो डेफिनेटली एवं जो प्रकार पैटर्न चेंज हो जाए कट ऑफ कम ही रोचे बिकज क्वेश्चन लेवल बढ़ीगला सो एबे जो नेक्स्ट एबे एग्जामिनेशन हेबो जोटा कि आम एक्सपेक्ट करूच आफ्टर 50 डे हेबो तो ताहिरे देखिया पे मिलो कि क्वेश्चन इजी आसी पारे मे बी इजी आसी पारे किंबा हार्ड आसी पारे ओके तो एमिती आगरो बिल्कुल भावी कि जानतु नहीं कि मते मु जाऊची तो मु 80 क्वेश्चन अटेंड करके आसीबी 90 क्वेश्चन अटेंड करके आसीबी दैट इज ए भूल अप्रोच सीधा जमा से भूलटा करके एबे यूपीएससी रे हार्ड क्वेश्चन आसुला
ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ଟିକେ ଇଜି କରିଦେଇଛି ଟିକେ ଏଇ ବର୍ଷ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ବେଶୀ ତ ଇଜି ନାହିଁ ବଟ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରୁ ୟୁପିଏସ୍ସିର ଏବେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଇଜି ଅଛି ତ ମେ ବି ସେ ଯଦି ୟୁପିଏସ୍ସିକୁ ଫଲୋ କରୁଛି ଓପିଏସ୍ସି ଆଣ୍ଡ୍ ଓପିଏସ୍ସି ଦେଖିଲା କି କଟ୍ ଅଫ୍ ବହୁତ କମ୍ ଆସିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଗତ ବର୍ଷ ତ ମେ ବି ସେମାନେ ଟିକେ ଇଜି କରିପାରନ୍ତି ମେ ବି ଆଶା କରାଯାଇପାରୁଛି ସେ ବଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଉ ଯଦି ସେଇ ସେମ୍ ଏପ୍ରୋଚ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲା ସେଇ ଏପ୍ରୋଚ୍ ଯଦି ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ରହିଲା ସୋ ସେଇଟା ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଟଫ୍ ହେବ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ପାଇଁ ପ୍ରିଫେର୍ ହେଇକି ଯିବାର ଅଛି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଗୁଛି କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଇଜି ହେଇଛି ଏଇ ବର୍ଷର ସୋ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଜି ହେଉଛି ତ 80 ଆପଣଙ୍କର ଏରାଉଣ୍ଡ ଯିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛି ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 60 ହେଇଯିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ସୋ କେଉଁ ବି କେସେସ୍ରେ 80ରୁ ଅଧିକ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତ ଏକର୍ଡ଼ିଂଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇବାର ଅଛି କି ହାଉ ମଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହଲ୍ରେ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେବ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଓପିଏସ୍ସିରେ ଟିକେ ଇଜି କରିଛି ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ସୋ ବୋଧ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହାର୍ଡ଼ ହେଇଥିବ ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନ ନେଇକି କାମ ହେଇକି ଆରାମସେ ନିଜେ ଭାବିବେ କି ମୋତେ ଏବେ 60 ଆଣିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ 60 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେଟା ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ କି କେତେଟା ଛାଡ଼ିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କେତେବେଳେ ୱେନ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ଦ ମୋକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋକ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବେ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବଗେରା ଦେଉଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ସେ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଇକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଯଦି ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ପଳାଇ ଆସିବ କି ମୋତେ ଯଦି 60 ଆଣିବାର ଅଛି ହାର୍ଡ଼ ଅଛି କିମ୍ବା 80 ଆଣିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଜେନେରାଲି କେତେଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଜେନେରାଲି କେତେଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲେ ମୋର କେତେଟା ଠିକ୍ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ କେତେଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ଭେରି ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ୟୁରେସି ଲେବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ୟୁରେସି ଲେବଲ୍କୁ ବି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ବାଇ ଗିଭିଂ ଦ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲି ପଳାଇ ଆସିବ କି ମୋତେ 60-80 ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜେନେରାଲି କେତେଟା ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି ଆଣ୍ଡ କେତେଟା ଛାଡ଼ିବି ଆଣ୍ଡ ମୋର ସେଇ ହିସାବରେ ମୋର କଟ୍ ଅଫ୍ ଆଣିବାର ଅଛି ଓକେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଭାବିବେ କେତେ ଆମର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି କେତେ ରହୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଇସବୁ କାଲ୍କୁଲେଟିଭ୍ ରିସ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋ ମକ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ର ମକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ନେକ୍ସଟ ଯିବା କି ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି କି ହାର୍ଡ଼ ହେଲେ 80 ଇଜି ସରି ହାର୍ଡ଼ ହେଲେ 60 କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ଏରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଜି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 80 ରହିବ କଟ୍ ଅଫ୍ ଓକେ ଆଣ୍ଡ 8ରୁ ଅଧିକ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବାର ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ଓକେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 40 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ 60 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଆରାମସେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର 100% ତ ଏକ୍ୟୁରେସି ଲେବଲ୍ ରହିବ ନାହିଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ୟୁରେସି ଲେବଲ୍ର ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଆପଣ 60 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର 60ରୁ 40 ଠିକ୍ ହେଉଛି କି 20 ଭୁଲ୍ ହେଉଛି ସେସବୁ ନିଜେ ଜେନେରାଲି ସେଇଟା ରୁହେ ଓକେ ଜେନେରାଲି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଆପଣ ଦୁଇ ଚାରିଟା ମକ୍ ଦେବେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ କି ମୁଁ ଏତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖୁଛି କି ମୁଁ 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଉଛି ତ ମୋର 40ଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି ମୋର 40ଟା ଭୁଲ୍ ହେଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେ ଜିନିଷକୁ ନିଜେ ମକ୍ ଦେଲା ପରେ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ପଳାଇ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କାଲ୍କୁଲେଟ୍ କି ମୋତେ କେଉଁ ହିସାବରେ ରିସ୍କ ନେଇକି କେତେଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ସୋ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ଡିସାଇଡ଼ିଂ ଦ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅର୍ଡ଼ର ବିକଜ୍ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଓକେ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ଅଧିକ ଆସୁଛି କେଉଁ ଏରିଆରୁ କମ୍ ଆସୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ର ୱେଟେଜ୍ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଆଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମାର୍ଟ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଟୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଦ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 2020ରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟର୍ସର 14ଟା 2020 ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି 2015ରୁ ନେଇକି 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟର୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଭରେଜ୍ଲି 12ରୁ 15ଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 12ରୁ 15ଟା ବା 14ଟା ଜୋଗ୍ରାଫିର ବି ସେ 12ରୁ 15ଟା ପଲିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 12ରୁ 15ଟା ଏ 12ରୁ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିଲା 2015ରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭରେଜ୍ ରହୁଥିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟର୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି ପଲିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟ ଜିକେ ଏ ସବୁର ଏଭରେଜ୍ ଥିଲା କି 12ରୁ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିଲା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ଲି ରାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସୋ ଇକ୍ୱାଲ୍ ୱେଟେଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ୱେଟେଜ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅପ୍ ଟିଲ୍ 2020 ବଟ୍ 2021ରେ ଜିନିଷ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ପଲିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 25ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 24ରୁ 25ଟା ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ 1/4 ଅଫ୍ ଦ ପେପର୍ 1/4 ଅଫ୍ ଦ ପେପର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି
ମାନେ ପଲିଟି ପଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଇଭେନ୍ 2022ରେ ବି ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ପଲିଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବ। ସୋ ପଲିଟି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଦ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ଓକେ, ପଲିଟି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସୋର୍ସ, ଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପଢ଼ିପାରିବେ ବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ ନୋଟ୍ସ ବି ଥିଲେ ସେଟା ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ବଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ ସୋର୍ସକୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ପଢ଼ିକି 24-25 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍ ଡୁଏବଲ୍, ଆପଣ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ। ତ ପଲିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତ ପଲିଟି ଦେନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ 2021ରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 30+ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। 30+ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ଯେଉଁ GK ଆସୁଥିଲା, ସେ GK ବି 10ଟା ଆସୁଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଲ୍ସୋ ଫ୍ରମ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ସୋ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଯଦି ଦେଖିବେ ତ 40+ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା 2021ରେ। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ବି ପୁରା 105ରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କମିକି କେତେ ହେଇଗଲାଣି, 70 ପଳେଇଲା ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 60। ସୋ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ଟା ଏତେ କମିଲା, ବିକଜ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ଆମାଉଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଲା। ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସୋ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରୁ 50+ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, 40+ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି। ଦେନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ଦେନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ 12, ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ 12, ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚରରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ, ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚରରୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ନୂଆ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। 2021ରେ 7-8 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ, ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟରୁ 10-15 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେଇଟା ତ ପ୍ରାୟ ରହୁଛି, ତା'ର ୱେଇଟେଜ୍ ତ ସବୁବେଳେ ସେତିକି ଅଛି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ 2021। ନାଓ କମ୍ସ 2022। 2022ରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ପଲିଟିରୁ ଓନ୍ଲି 25 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ମାତ୍ର 12ଟା, ଜେନେରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ। ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଇଭେନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ 10-12 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି 5ଟାରୁ 6ଟା, ବିକଜ୍ ଏଇଠି ସିଲେବସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାବାଲା ପାର୍ଟକୁ ବି ଏଡ଼୍ କରାହେଇଥିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ 10ଟା, ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ 5-6ଟା ଆଣ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ 10-12 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ଓକେ, ସୋ ସେଇ ହିସାବରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ମାନେ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି 2022ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରୁ ଆସିଥିଲା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି UPSCରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ, ତ ସିମିଲାରି OPSCରେ ବି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସହିତ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟର ଟପିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା, ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଟପିକ୍ସ, ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଟପିକ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଟପିକ୍ସକୁ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାକ ଆସିଥିଲା। ସୋ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲୁ, ତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ କି ପଲିଟି। ପଲିଟି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସୋର୍ସରୁ ଆପଣ ଆରାମସେ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିକି ଆଣ୍ଡ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିକି ଆପଣ 40 ଆଣିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ବି ନାହିଁ, 40 ଏ ବର୍ଷ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି, ଯେ ଯାହାର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ସେ 40-50 ରହିବ ଏଇ ବର୍ଷର କଟ୍ ଅଫ୍। ତ ପଲିଟିରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ହୋଇଯିବ, ପଲିଟି ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ତ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ପଲିଟି, ସେକେଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ଥାର୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟରେ ତା'ପରେ ବାକି ଯେତିକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଓଗ୍ରାଫିକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ବାଲା ଟିକେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 25-30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସୋ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର, ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଥାର୍ଡ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଦେନ୍ ଫୋର୍ଥରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଏ କନ୍ସେପ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଲା ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ପଳେଇ ଆସିବ, କନ୍ସେପ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବୁଝିଛନ୍ତି ତ କନ୍ସେପ୍ଚୁଆଲ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଜେନେରାଲି ପଚାରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲି ସେଇ ଜିନିଷରେ ଏତେ ରିଭିଜନ୍ ନ କରିଲେ ବି ଖାଲି କନ୍ସେପ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆରାମସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ସୋ ଦ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅର୍ଡ଼ର୍ ତ ଏମିତି ସେଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଦେନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ୱେଟେଜ୍, ଦେନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଦେନ୍ GK। GK ଆପଣଙ୍କ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରୁ ହିଁ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମେନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅର୍ଡ଼ର୍ରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମିଳିଲା କି ଆମକୁ ଯଦି କଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି ତ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ କରେକ୍ଟ କରିବାର ହିଁ ଅଛି। 40 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ 40ରୁ ଅଧିକ ହିଁ କରିଅଛି, 40+ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମକୁ ଅଧିକ କରେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ 40ଟାରୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କରେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ରିଲାଏ ଅନ୍ ଅୱାର୍ ପଲିଟି। ପଲିଟିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତୁ ଅଧିକ, ବିକଜ୍ ପଲିଟିରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ଗ୍ରାଫ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହୋଇଗଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଭଲସେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରିଦେଲେ। ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ବି ଆଉ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ବି କରିଥିବାର ଅଛି, ମିନିମମ୍ ଯେତିକି ଦରକାର। ତ ବାକି ନେକ୍ସଟ ପଲିଟି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପରେ
नेक्स्ट वेटेज जुड़ा अच्छे आप कौन रखे अच्छे जियोग्राफी एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट जोटा कि तीन टाइम लिंक करके पढ़ीपारे देन आपण को रखियार अच्छी कौन कि करेन्ट अफेयर्स ही आपंकर जिके फिके पलैस बिकज करेन्ट अफेयर्स सहित लिंक करके जिके पचार आग कालर डायरेक्ट क्वेश्चन एमती आसुना करेन्ट अफेयर्स जिके रो क्वेश्चन आसाला देन आपको इकोनोमिक्स को रखिपारे देन हिस्ट्री जियोग्राफी जो इकोनोमिक्स पॉलिटी देन लास्ट रखु मत लगुच हिस्ट्री को तो लास्ट ही रखु बिकज जदि देखिए हिस्ट्री रे बहुत गुड़ाए सब्जेक्ट अच्छी ओके एनसीएंट हिस्ट्री मीडियावल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री गोटे सब्जेक्ट में पांचटा जिनस पढ़ाक पड़ो पांचटा सब्जेक्ट एंड पांचटा सब्जेक्ट नहीं कि तार वेटेज के दसटा क्वेश्चन आसाला गत वर्ष बट ओडिशा हिस्ट्री एवं टी पल आसला तो ओडिशा वाला जिनस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपको फोकस करवाक पड़ो ओडिशा हिस्ट्री एंड ओडिशा जियोग्राफी टी एक्स्ट्रा करवाक पड़ो एंड सो सहीटा को लेकिन आपको टी पढ़ाक पड़ो बाकी सब जिन पढ़ार अच्छी बट टाइमिंग क्या कैसे देवार अच्छी अधिक क्या कौटी वेटेज देवार अच्छी से निजे टी डिसाइड करवाई तीनटा सक्सेस मंत्र मुझे दूसरी तीनटा सक्सेस मंत्र प्रिलिम्स हो कि जहाँ जो भी प्रिलिम्स आपको मेनली रिविजन इज द की टू सक्सेस जिते मोर रिवाइज करेंगे जिनस को रिविजन करार अच्छे पीएचडी करार ना को भी जिनस पीएचडी करेंगे ना लिमिटेड जितकी पढ़ार अच्छे से पढ़े एंड से ही जिनस को बारंबार रिवाइज करेंगे बिकज रिविजन जिते बढ़ एक्यूरेसी लेवल बढ़ो तो दैट इज द थिंग सेकेंड इंपोर्टेंट थिंग इज पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कले डेफिनेटली आपंकर 10 मार्क ऑटोमेटिकली बढ़ो बिकज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रू देखा मिली डायरेक्टली किंबा इनडायरेक्टली क्वेश्चन जाक पलैस डायरेक्ट हो किंबा इनडायरेक्टली क्वेश्चन आस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रू 10 मार्क एक्स्ट्रा एमती मिल जाव आपको जदि आप पीवाईक्यू कर 2005 रू 2022 पर्यंत जितकी भी पीवाईक्यू सब कर दिंतु डेफिनेटली पांचटा क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो सो मुझे 10 मार्क आपको आराम से एड ऑन करें जितकी भी आनी था 10 मार्क अधिक आने प्लस मॉक दिंतु मॉक भी जदि प्राक्टिस करेंगे तार इम्पोर्टेन्स कौन कि 10 मार्क बढ़ी जाव आपंकर हाओ यहाँ मुझा गोटे जादू ना जादू कौन अच्छी कि मॉक जो देवे कि बहुत गुड़ा क्वेश्चन अच्छी जोटि की डू नॉट इनकरेक्ट ओके डू नॉट करेक्ट किंबा गोटे मानने से टाइप ऑफ क्वेश्चन जाक अच्छी जो कि जेनराली भूल हो जाए आम जाणी भी भूल करुचु कौन पे बिकज क्वेश्चन को आम भलेसे पढ़ी न था एंड केयरलेसली कर तो सीट जिनस आम डायरेक्टली जिते करवा तो निश्चित भाव एज ए मनीष सीटी भूल हे बहुत गुड़ाए सब स्वाभाविक भूल हो जाए एंड सी भूल को जानवे के मक्रे मक्रे जापर कि मोर ये मुझे भूल करदे प्राय सब इनकरेक्ट को करेक्ट ही करदे तो डाट्स एवं तुम्हें मोर केयरफुल एग्जामिनेशन हॉल रे एंड सी जो नेगेटिव मार्किंग होता से पॉजिटिव मार्किंग हो 10 मार्क आपको बढ़ो तो 20 मार्क आप आराम से बढ़ो एंड 20 मार्क ट्रस्ट मी आपको कट ऑफ क्वालिफाई करदेव राइट सो पीवाईक्यू एंड मॉक ताको बिल्कुल भी इग्नोर करते ना इवेन नेक्स्ट सेसन में मुझे अपकमिंग जो अप टू प्रिलिम्स है पीवाईक्यू जाक मुझे डिस्कस करी मो चैनल रे डोंट वेरी पीवाईक्यूज वगैरह 2022 रु स्टार्ट करी जितकी भी हो पार संभव अधिक रु अधिक पीवाईक्यू डिस्कसन करने चेषा करी एंड जो मैंने इंटरेस्टेड अच सो आपण मैंने कमेंट करूँ जदि दरकार आदि कमेंट अधिक आदि न आसो सो मे बी मुझे डिफरेन्ट जिनसपर वीडियोस मैंने आनवी आदि कमेंट रे आपको लगे कि पीवाईक्यू डिस्कसन करार अच्छे सो मुझे वीडियो जाक भी आने नेक्स्ट ओके सो रिविजन इज द की टू सक्सेस एंड पीवाईक्यू एंड मॉक ये तीन टा जिस दिंतु एंड प्रिलिम्स को क्लीयर करूँ दैट इज द वन स्टेप जिनस आउ गोटे सेकेंड इंपोर्टेंट जिनस कह आपको कि जदि आपको भी क्वेश्चन को 50-50 करते 50-50 मैंने कौन आपको चारिटा ऑप्शन रुए ए बी एंड सी एंड डी चारिटा ऑप्शन रु जदि दुईटा भी ऑप्शन इलिमिनेट करेंगे एंड यू आर गेटिंग कन्फ्यूज कि दुईटा ऑप्शन रू कौटा एक्चुअली आंसर जब 50-50 करें तो यू गो फॉर इट मैंने आप खाली टॉस करके भी जोटा भी आपको लगुच टिक करके अटेंड करूँ बिकज साइंटिफिकली यहाँ प्रूव कराई कि जब 10टा क्वेश्चन आप 50-50 करके जब देखते आदि आप चारिटा ठीक होंड छा भूल होती चारिटा ठीक छा भूल देन अल्सो यू विल गेट सम पॉजिटिव मार्क ओके प्लस पॉइंट तो डेफिनेटली जब 50-50 करें तो डायरेक्टली यू गो फॉर इट यू अटेम्प्ट करूँ एंड से जिनस प्राय बहुत पे स्किप करती दैट इज द थिंग एंड मेन एग्जामिनेशन हॉल रे जदि क्वेश्चन हार्ड अच्छे तो आपको कौन करियर अच्छे कूल माइंड रे पूरा रिलैक्स माइंड रे कूल माइंड रे रीजनिंग एबिलिटी प्लस निजर निजर कॉमन सेंस बिकज बहुत जिनस पढ़ी आप जनरली गोटे कॉमन सेंस थी आपंकर एंड इलिमिनेशन टेक्निक
एलिमिनेशन टेक्निक कॉमन सेंस एंड रीजन जहाँ भी क्वेश्चन आसो जदि टिके भी आइडिया लगुच तो यू गो फॉर इट आपण सी प्रति ऑप्शन को पढ़ंतु एंड सी प्रति ऑप्शन को पढ़ला परे यू विल एबल टू सी गोटे गोटे वर्ड रे आपण एलिमिनेट कर पारे गोटे गोटे सेंटेंस को स्टेटमेंट को एंड सी एलिमिनेट करके यू कैन अप्रोच करें आंसर कौन है ओके मोस्ट प्रोबेबली आंसर आनीपारे एंड से जिनस ही आपन को कट ऑफ को क्वालिफाई करियर हेल्पफुल हबो तो रीजनिंग कॉमन सेंस एंड एलिमिनेशन टेक्निक को एग्जामिनेशन हॉल रे डेफिनेटली यूज करंतु दैट इज द थिंग एंड करंट अफेयर्स रु आपन को अधिक वेटेज इंटरनेशनल रिलेशन पर्सन इन न्यूज साइंस एंड टेक एनवायरमेंट वाला जिनस स्कीम्स रु बहुत गुडा क्वेश्चन आसला सबमिट एंड इंपोर्टेंट डे एंड थीम्स इंपोर्टेंट डे रो थीम्स ये सब आपको अधिक फोकस कर पॉलिटी यू गो फॉर फंडामेंटल राइट डीपीएसपी लोकल सेल्फ गवर्नेंस पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एंड जिते भी आम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स एंड शेड्यूल्स अच्छे से शेड्यूल्स जो बारटा शेड्यूल अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिते भी इंपोर्टेंट अच्छे से देखु एमरजेन्सी प्रोविजन्स देखु पार्लियामेंट वगैरह जो अच्छे तार प्रोविजन्स जाक देखु कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रु क्वेश्चन आसा देखु कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जहाँ भी एक्ट लेजिस्लेशन होची इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स रोचे से देखूँ इंपोर्टेंट केसेस वगैरह देखूँ ये सब रु पॉलिटी अधिक क्वेश्चन देखा मिलेगी सो ये सब जिन प्राय मेनली आस एंड बाकी सब अलग अलग टॉपिक्स भी सेमती वेटेज एरिया आपण मैंने पी वाई क्यू रु जापरेंगे कि कौ कौ एरिया अधिक क्वेश्चन पचारूँगी जो पी वाई क्यू डिस्कसन करी तो मुझे ऑटोमेटिकली सीटी बुझेगी आपको कि प्रति डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से कौन कौन आपणकर फोकस करेंगे कौ एरिया अधिक फोकस करेंगे एंड कौ एरिया कोमी डिल कर पीवाई क्यू जो डिस्कस करवा से जिन सब डिस्कस करवा सो आशा करूँ वीडियो वेरी यूजफुल एंड आपन को बहुत जिनस ये शिखा मिलती सो एगेन आउ गोटे जिनस मुझे कहि द ट्री अप्रोच ट्री अप्रोच रे कौन एक्चुअली अच्छे मन कर आम शहेटा क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल रे सो जमी गोटे गच्छ अच्छी एंड गच्छे जदि शहेटा फल अच्छी एंड आमर कट ऑफ आमर जदि 80 अच्छी तो मैंने 40 फल आमको खाबार अच्छे सो डैट्स व्हाई देयर आर थ्री गोटे गच्छे जो फल अच्छी जो तले अच्छी आराम से जोटा कि कम रिसोर्सेस कम टाइम यूज करके आप तोपारे दैट इज इजी क्वेश्चन एंड जोटा कि मेडरेट लेवल जो हार्ड लेवल क्वेश्चन मीडियम लेवल क्वेश्चन किसी आसे किसी हार्ड लेवल क्वेश्चन आसे एंड हार्ड लेवल क्वेश्चन बहुत मानने जो एक्चुअली आसो सीटा जेनराली आपंकर टाइम कंज्यूमिंग अधिक रंग होबार चानसेस भी अधिक थाए एंड आपको एत फ्रुटफुल प्रडक्टिविटी हुए बट आमको जब कट ऑफ को क्वालिफाई करियर अच्छी यू सुड गो फॉर इजी एंड मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन इजी एंड मीडियम लेवल क्वेश्चन को जिते आप अप्रोच करेंगे से आप कट ऑफ क्वालिफाई करियर चांसेस बढ़ी तो यू गो फॉर इट फॉर इजी एंड मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन ओके सो आज वीडियो एतिक ही ओके देन मिसिबा किसी नेक्स्ट वीडियो रे विथ सम यूजफुल कंटेंट ओके सो टिल देन बाय बाय जय जगन्नाथ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म्स।